दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का बाजार देख लेते हैं, सभी जिंसों का कैसा है, क्या तेजी मंदी है और कितनी आवक देखने को मिली है। कल नीमच मंडी में अवकाश रहेगा। कोई भी किसान बंधु अपनी उपज विक्रय हेतु कल मंगलवार को 7 तारीख को लेकर ना आए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कल अवकाश है, पर्युषण पर्व होने की वजह से अवकाश घोषित है, जो हर साल होता है। तो आज भी अवकाश है, कल भी अवकाश रहेगा, जो हर साल रहता है इस दिन का। इसके अलावा बात किया जाए बाज़ारों में अनाज दलहन और तिलहन सभी का बाज़ार देख लेते हैं, क्या तेज़ी मंदी है, किसमें कितनी आवक है। तुलसी बीज आज 23,000 ऊपर में बिका है, बाकी 21,000 का भाव तो पक्का है। बाज़ार कुल मिलाकर तेज़ है, क्योंकि उस समय लेवल नहीं थे परसों, इसलिए मद्दा था, बाकी मद्दा था नहीं। बाज़ार तो आज वापस अपने स्तर पर आ चुका है। सभी जिंसों का बाज़ार देख लेते हैं। मेथी में अच्छी तेज़ी है, तो कल उनजी में भी कुछ सुधार के साथ है। देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट, वीडियो अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक वाला ऑप्शन है, ना आए तो डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर में 9,000 रुपये ऊटी लहसुन स्पेशल माल 7,500 से 9,000 रुपया, अच्छा ऊँटी फुलगोला माल 6,000 से 7,500 रुपया और लड्डू पेटेंट वाला 4,500 से 5,500 रुपया। एवरेज माल 3,500 रुपये से लगाकर 4,500 रुपये और मीडियम क्वालिटी का माल 2,000 रुपये से लगाकर 3,500 रुपये। आवक लगभग 15,000 बोरी के आसपास देखने को मिली। बाजार की चाल नरम ही है, ऐसा कोई ऊँटी लहसुन में भाव है नहीं आकर्षक वाला, बाजार की चाल कुछ भी कमजोरी देखने को मिला है। आवके भी ठीक ठाक है, 15,000 बोरी के आसपास अंदर बाहर की दोनों मिलाकर आवक देखने को मिला है। इसके अलावा देशी लहसुन की बात किया जाए, ऊपर में देशी लहसुन 8,500 रुपये व्हाइट माल बिका, अच्छा व्हाइट माल 6,500 से 7,811 तक बिके, जो हमने सुबह भी क्वालिटी बताई आपको। अच्छे स्पेशल माल 5,700 से 6,200 रुपये तक बिक रहे हैं और फुलगोले माल 5,000 से 5,700 बढ़िया वाले, और जो एवरेज फुलगोले टाइप वाले माल है वो 4,450 रुपये बिक रहे हैं, 4,000 से 4,500, 4,700, 4,800 रुपये तक। बाजार की स्थिति की बात किया जाए, बाजार कैसा है, तो बाजार लगभग 200 रुपये के आसपास में नरम देखने को मिला है। चाल कुछ कमजोर देखने को मिली है, मगर फिर भी बढ़िया माल तो अच्छे ही बिक रहे हैं, ऐसी कोई विशेष गिरावट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रेंज लगभग वैसी की वैसी बिक रही है। तो कुल मिलाकर हल्की सी नरमाहट है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। कुछ कुछ रेंज तो अच्छी बिक रही है, कुछ कुछ सामान बिक रही है और कुछ कुछ लोटों में बाजार कम देखने को मिल रहा है। तो मतलब मंडी इतने बड़े नीलाम में एक्यूरेटी नहीं दे पाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा चल रहा है, कहीं सामान बिक रहा है, कहीं सामान बिक रहा है, कहीं नरम बिक रहा है। लड्डू पेटेंट माल 3,200 से 3,800 रुपये, पूना लड्डू पेटेंट माल 2,500 से 3,200 रुपये, बढ़िया मीडियम 2,300 से 2,500, अमूमन 2,300 की रेंज ही बिक रही है मीडियम, 2,300 से 2,400 के बीच में अधिकांशतः बढ़िया वाली मीडियम बिक रही है, और एवरेज मीडियम 1,800 से 2,200, लगभग 2,100-2,200 रुपये बिक रहा है, कुछ ज़्यादा एवरेज हो तो 18 बिक रहा है। बारीक पतले हल्के मालों का कोई भाव नहीं, 1,300 से 1,800 के बीच जैसी क्वालिटी होगी वैसा दाम होगा। आवक 15,000 के आसपास, बाजार एवरेज हल्के पतले मालों में 200 रुपये के आसपास नरम कह सकते हैं, कुछ चाल कमजोर देखने को मिला है। कलौंजी 22,800 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया पैकेट माल प्रीमियम वाला 22,300 से 22,700, मीडियम क्वालिटी 21,800 से 22,200, एवरेज क्वालिटी 21,000 से 21,600, चालू माल 19,500 से 20,800, नीचे में जैसा माल वैसा दाम, 17,500-17,000 की रेंज भी काफ़ी माल बिका है लोट, आवक 500 बोरी, बाजार 300 रुपये तेज देखने को मिले, ले वाली कुछ भी ठीक बढ़िया अच्छी देखने को मिली है, 300 रुपये की बाजार में तेज़ी देखने को कलौंजी में मिला है। इसके अलावा बात किया जाए इसबगोल की, 14,111 रुपये बिका है, बढ़िया पैकेट माल 13,300 से 13,800 रुपये, सेमी पैकेट माल 12,500 रुपये से लगाकर 13,200 रुपये, एवरेज माल 11,800 से 12,500 रुपये, चालू माल 10,500 से 11,500, आवक लगभग 800 बोरी के आसपास देखने को मिली और बाजार सामान्य देखने को मिला, कोई विशेष तेजी मंदी इसबगोल में देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा बात किया जाए धनिया की, 7,400 ऊपर में बिका, स्कूटर माल 7,200 से 7,400, ईगल माल 6,900 से 7,100, बादामी माल 6,600 से 6,850, एवरेज माल 6,200 से 6,500, डंकी शंकी 5,700 से 6,000, 1,000 बोरी के आसपास आवक है। बाजार की चाल 100 रुपये की तेज देखने को मिली, कुछ भी बाजार में सुधार रहा, बाजार में हल्की सी तेजी देखने को धनिया के बाजार में मिली है। मेथी दाना 8,050 ऊपर में बिका, एवरेज माल 7,000 से 7,100 रुपया,
बढ़िया बारीक माल 7150 से 7250 रुपया, बढ़िया पीला माल 7300 से 7500 रुपया, मोटा माल 7500 से 8000 रुपया और पुराना माल 6700 से 7000 रुपया। आवक लगभग 1100 बोरी के आसपास, बाजार 100-150 रुपये तेज, लेवाली कुछ भी बढ़िया अच्छी जोरदार। तो मेथी दाने में कुछ सुधार देखने को मिला है। 2271 रुपये ऊपर में गेहूँ बिका, सुपर माल 2100 से 2225, बढ़िया लोकवान 2000 से 2100, मीडियम क्वालिटी का लोकवान 1950 से 2000, एवरेज माल 1925 से 1950, चालू माल 1900 से 1925, मिल बेस्ट 1870 से 1890, टुकड़ी क्वालिटी 1900 से 2050, मालवराज 1950 से 2150। आवक 4500 बोरी के आसपास देखने को मिली, बाजार 20 रुपये से लगाकर 25 रुपये तक तेज देखने को मिला गेहूं में। तो कुछ भी चाल गेहूं में अच्छी ठीक ठाक देखने को मिली है। मसूर ऊपर में 7272 रुपये बिकी, बढ़िया माल 7100 रुपये से 7200 रुपये, एवरेज क्वालिटी का माल 6800 रुपये से 6900 रुपये, चालू किस्म का माल 6500 रुपये से 6600 रुपये, बाजार 100 रुपये तेज, आवक 80 बोरी की देखने को मिली है। डॉलर चना 9300 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 8800 से 9100 रुपये, एवरेज क्वालिटी माल 8000 से 8500 रुपये और चालू माल 6800 रुपये से 7600 रुपये, डंकी शंकी हल्के माल 4400 से 6000 रुपये, आवक लगभग 150 बोरी के आसपास, बाजार की तेजी मंदी समान है, ऐसी कोई विशेष तेजी मंदी डॉलर चने के बाजारों में देखने को नहीं मिला है। डॉलर चने के अलावा बात किया जाए, सोयाबीन 9750 ऊपर में, बढ़िया माल 9550 से 9700, इसलिए कह रहे हैं रेंज 9500-9550 बिक रही है और फिर कुछ कुछ अच्छे लोट 9600-700 बिक रहे हैं। मीडियम माल 9400 से 9450, एवरेज क्वालिटी का माल 9200 से 9300, आवक 3000 बोरी के आसपास, बाजार लगभग 200 रुपये नरम देखने को मिला। चाल कुछ भी कमजोर देखने को मिली, सोयाबीन में बाजार 2-3 दिन में लगातार गिरावट रहा, 10000 के बाजार टूट चुका। मक्का 1745 रुपये ऊपर में बिकी, पीली मक्का 1735 रुपये से लगाकर 1745 रुपये का भाव, मीडियम क्वालिटी का माल 1680 रुपये से लगाकर 1715 रुपये का बाजार। आवक की बात करें लगभग 100 बोरी आवक, बाजार की बात करें लगभग 25 रुपये के आसपास बाजार मद्दा देखने को मिला है। जो 2266 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 2240 से 2260 रुपया, एवरेज क्वालिटी 2190 से 2200 रुपया, हल्का माल 2161 से 2180 रुपये बिका, 400 बोरी आवक, बाजार लगभग समान टाइप देखने को मिला है। मूंगफली 6190 और नई मूंगफली आई थी जो 6300 रुपये बिकी, पुराना माल बढ़िया 5800 से 6000, एवरेज क्वालिटी का पुराना 5400 से 5800 रुपये, चालू माल 5000 से 5400, आवक लगभग 250 बोरी के आसपास देखने को मिली और बाजार लगभग समान देखने को मिला, कोई विशेष तेजी मंदी मूंगफली में नहीं रही है। अश्वगंधा 35800 रुपये ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 30000 से 33000, मीडियम क्वालिटी 26000 से 29000, टुकड़ी क्वालिटी 22000 से 25000, एवरेज क्वालिटी 18000 से 23000, तार क्वालिटी 13000 से 16000, आवक लगभग 450 बोरी के आसपास देखने को मिली, बाजार लगभग समान ही देखने को मिला। तो अश्वगंधा में ऐसी कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिला है। आवके भी ठीक ठाक बढ़िया लगातार देखने को मिल रही है। कल अवकाशीय नीमच मंडी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। रायडा ऊपर में 7800 बिका, काला माल 7700 से 7750, बढ़िया माल 7600 से 7700, एवरेज माल 7400 से 7550 बिका, 400 बोरी आवक, बाजार लगभग 200 रुपये तेज देखने को मिला, लेवाली जोरदार और बढ़िया देखने को मिली। नीचे में 6800 रुपये भी बिका है रायडा, 6800-6900 रुपये भी। अमूमन मंडी ऊंची ही बिकी है, कुछ एक दो लॉट हल्के थे माल, वो इसलिए नीचे बिके हैं। प्याज सिर्फ एक लॉट बिका 1500, बाकी अच्छा माल 1200 से 1350-1400 तक का बाजार है, एवरेज माल का 1000 से 1200 रुपये तक का बाजार है। गोल्टा गोल्टीन मिक्स टाइप वाले माल 700 रुपये से लगाकर 1000 रुपये तक के बाजार हैं और हल्के पतले एवरेज माल 500 से 700-800 रुपये के बाजार हैं। आवक की बात करें तो लगभग 500 बोरी के आसपास आवक है, बाजार की बात करें तो बाजार समान है, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं, मगर बाजार में कमजोरी वाला माहौल है। उड़द 7531 ऊपर में बिका, बढ़िया उड़द 7200 से 7400 रुपये के बाजार, मीडियम क्वालिटी का 6500 से 6800 रुपये का बाजार और एवरेज क्वालिटी का 5800 रुपये से 6300 रुपये का बाजार, चालू माल 4800 से 4000 से 5000 का बाजार। आवक लगभग 100 बोरी के आसपास, बाजार लगभग 500 रुपये तेज देखने को मिला, ले वाली जोरदार वाली देखने को मिली है उड़द में।
इसके अलावा अलसी 8,690 रुपये ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 8,550 से 8,650 रुपये, मीडियम क्वालिटी का माल 8,400 रुपये से लगाकर 8,500 रुपये, चालू किस्म का माल 8,200 रुपये से लगाकर 8,400 रुपये। आवक की बात करें तो लगभग 400 बोरी के आसपास आवक देखने को मिली, बाजार की बात करें तो लगभग बाजार 50 रुपये अलसी में तेज देखने को मिला, तो अलसी में 50 रुपये की तेजी का माहौल रहा। तारामीरा 6,600, बढ़िया माल 65 से 6,650 और एवरेज माल 6,200 से 6,300, मंडी लगभग 6,200 से 6,300 बिकी, 25 बोरी की आवक थी, बाजार समान रहा, बढ़िया माल ऐसे थे नहीं और बाकी 66 ऊपर के भाव हैं। बात किया जाए तिल्ली की, 10,900 रुपये एक लोट ऊपर में बिका, बढ़िया माल 10,200 रुपये से 10,400 रुपये, मीडियम क्वालिटी का माल 9,600 रुपये से लगाकर 10,000 रुपये, एवरेज क्वालिटी 9,000 से 9,500, चालू किस्म के माल 7,700 रुपये से लगाकर 8,500, आवक 300 बोरी, बाजार 200 रुपये तेज देखने को मिला, कुछ भी बाजार की चाल ठीक देखने को मिली है दिल्ली में, तो दिल्ली में तेजी मंदी का दौर निरंतर जारी है। इसके अलावा बात किया जाए तुलसी बीज में भी भारी तेजी मंदी जारी है, आज बिका 23,000 ऊपर में, बढ़िया माल का भाव 20,500 से 21,000, मीडियम माल का भाव 19,000 से 20,000, एवरेज माल का भाव 16,000 से 18,000, चालू माल 12,000 से 15,000, आवक लगभग 100 बोरी, बाजार लगभग 2,000 रुपये तेज देखने को मिला। तो जो परसों मद्दा था वो आज तेज है, आज वापस लेवल आ चुके थे जिसकी वजह से बाजार में सुधार देखने को मिला, उस दिन लेवल नहीं थे तो बाजार 18,300 तक ही बिके थे, बढ़िया माल भी। इसके अलावा बात किया जाए अजवाइन की, 12,800 ऊपर के भाव, उनालू माल 12,700 से 13,300, मीडियम माल 12,000 से 12,500, एवरेज माल 11,000 से 11,500 रुपया, चालू माल 9,500 से 10,200, देशी माल 11,500 से 12,500 और लाल माल 10,000 से 11,500, बाजार 200-300 रुपये नरम, आवक 250 बोरी मात्र, 250 बोरी की आवक में बाजार में 300 रुपये की गिरावट का रुख देखने को मिला है। इसके अलावा बात किया जाए अन्य जिन्सों में, चना 4,995 ऊपर में बिका, नीलाम चल रहा है दोस्तों, बरसात होने की वजह से नीलाम सेकंड इंटरवल बाद चला है, तो कोई ऊपर का फिगर दोस्तों चने की बात, बढ़िया माल 4,925, बढ़िया माल है नहीं, मीडियम माल 4,900 से 4,995, एवरेज माल 4,750 से 4,850, आवक लगभग 1,000 बोरी, बाजार समानी है, ऐसी कोई विशेष तेजी मंदी चने में देखने को नहीं मिला है। विशाल चना 5,140 ऊपर में बिका, बढ़िया माल 4,850 से 4,950, मीडियम माल 4,750 से 4,850, एवरेज माल 4,700 से 4,750, चालू डंकी शंकी 4,400 से 4,650, आवक लगभग 1,000 बोरी, बाजार समान है, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला ऑप्शन है, ना आए तो डिसलाइक वाला ऑप्शन है। कल नीमच मंडी में अवकाश रहेगा, मंगलवार को पर्युषण पर्व होने की वजह से, तो कोई भी किसान बंधु अपनी उपज विक्रय हेतु नीमच मंडी में कल लेकर बिल्कुल ना आए, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।